हेलो दोस्तों, विकास अकेडमी गुना MP में आपका स्वागत है। मैं विकास रघुवंशी, आज हम आपके लिए हमारी PEB द्वारा यानी मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जेल प्रहरी की जो परीक्षाएं होती है उनके फिजिकल टेस्ट के यानी शारीरिक परीक्षण के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो उसी के बारे में हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबाना, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम हमारे चैनल पर मध्य प्रदेश MP पुलिस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों की वीडियो सॉल्व करके डाल रहे हैं, जिसमें हम GK और GS के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आप MP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी विकास अकेडमी गुना MP की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं, और इसमें मंथली कैंट पर 2020 की वीडियो भी डाल रहे हैं, तो आप वो सभी भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के हम जेल प्रहरी के पूरे नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी शुरुआत करते हैं। देखिए, जेल मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। दिनांक 21/6/2021 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। देखिए, जेल परीक्षा भर्ती 2020 में प्रहरी पद हेतु द्वितीय चरण के लिए योग्य घोषित किए गए अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक नाप जोख एवं प्रवीणता टेस्ट आयोजन किया गया। यानी पहले जो एग्जाम होती है उनके बाद अब जो द्वितीय चरण है उसके लाने ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चलिए इसमें आगे देखते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा प्रहरी भर्ती परीक्षा 2020 के अंतर्गत दिनांक 11 दिसंबर से 24 दिसंबर 2020 को ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई थी। यानी 11 दिसंबर से 24 दिसंबर 2020 में परीक्षा आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षा का परिणाम दिनांक यानी उसका रिजल्ट 10/4/2021 को आ गया था। प्रोफेशनल एग्जाम द्वारा घोषित किया जा चुका था। इसमें प्रहरी पद हेतु द्वितीय चरण के लिए सफल उम्मीदवारों के शारीरिक परीक्षा नापजोक एवं प्रवीणता टेस्ट मोतीलाल नेहरू स्टेडियम। ये बात ध्यान रखना कि मोतीलाल नेहरू स्टेडियम पुलिस परेड ग्राउंड भोपाल में दिनांक 12 जुलाई से 16 जुलाई 2021 तक प्रातः 7 से दोपहर 2 बजे तक आयोजित किया जाएगा, जिसका विवरण निम्न अनुसार है। यानी ये भोपाल में ही किया जाएगा, तो मोतीलाल नेहरू स्टेडियम और पुलिस परेड ग्राउंड भोपाल में 12 जुलाई से 16 जुलाई 2021 तक आयोजित किया जाएगा। इसकी दिनांक इसका समय है 7 बजे से लेकर 2 बजे तक। तो आप सभी लोगों को 12 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में जाना है। देखिए इसमें, और देखते हैं जो सभी उम्मीदवार सफल हुए थे उनके लिए इसमें रोल नंबर दिए हैं, तो रोल नंबर देख लें और इसी हिसाब से जाएंगे। देखिए, देखते हैं तो ये पहला रोल नंबर दिया है, सारे नापजोक प्रवीणता टेस्ट की तिथि दी है, सारे नापजोक में प्रवीणता टेस्ट के लिए स्थान दिया है और निर्धारित समय दिया। तो ये सभी आप लोगों को देखना है। तो देखिए, पहले इसमें रोल नंबर कहाँ से दिए हैं, ये 20/58/59/58 से लेके 20/64/64/491, ठीक है। तो 958 से लेके 491 तक इसमें शुरुआत में दी हैं। इसमें मध्य कुल पात्र 600 अभ्यर्थी, यानी पहले उसमें कितने 600 अभ्यर्थी हैं, और ये दिनांक कितनी 12 जुलाई 2021 को इनका टेस्ट होना है, मोतीलाल नेहरू पुलिस स्टेडियम भोपाल में होना है। कहाँ पे होना है, मोतीलाल नेहरू पुलिस स्टेडियम भोपाल में, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है और 7 बजे से 2 बजे के बीच में ही पहुँचना है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद इसमें दूसरे में दिए हैं 20/64/68/36 से लेके 20/70/81/152, यानी इसके बीच में दिए हैं। यानी ये 836 से लेके कितने तक दिया है, इसमें 152 के बीच में दिए हैं। तो मध्य इसमें कुल कितनी 600 अभ्यर्थी हैं, ठीक है। तो आपको ये रोल नंबर अपना देख लेना, इससे इसके बीच में है। और ये 13 जुलाई को होंगे, कितने को होंगे, 13 जुलाई को होंगे। तो इसमें भी इसका भी वही स्थान है, क्या है, मोतीलाल नेहरू पुलिस स्टेडियम भोपाल में 7 बजे से 2 बजे तक होंगे। तो आपको ये याद रखना है, इसमें अपना रोल नंबर देखना है। तीसरा आता है इसमें 20/70/82/61 से लेके 20/76/56 के बीच में, यानी कि 261 से लेके 685 के बीच में जो रोल नंबर दिए हैं। आप सभी लोग अपना पूरा रोल नंबर ही मिलाना और इसके बाद ही इसमें आप चेक
करना है, ठीक है। यानी इतने से लेके इतने के बीच में दिए गए कुल इसमें भी 600 अभ्यर्थी, यानी सभी पूरी में यानी ये चार शिफ्टों में 600 अभ्यर्थी होंगे। तो ये 14 जुलाई को इसके फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है। तो इसका भी मोतीलाल नेहरू पुलिस स्टेडियम भोपाल में है, वही टाइम 7 बजे से 2 बजे तक है, ठीक है। सुबह 7 बजे से जाना है, दोपहर 2 बजे के बीच में है। इसके बाद चौथे में आता है 20-76-65-03 से लेके 20-83-54-73 इसके बीच में है। इसमें भी कुल कितने 600 अभ्यर्थी हैं और ये दिनांक 15 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। तो आप अपना अपना पूरा रोल नंबर मिलाना, बार बार बोल रहा हूँ, इसके बाद ये देख लेना, ठीक है। मोतीलाल नेहरू पुलिस स्टेडियम भोपाल में होगा 7 बजे से 2 बजे, यानी इन चारों के एक ही दिया है, एक ही स्थान पर है, मोतीलाल नेहरू पुलिस स्टेडियम भोपाल में है, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं पांचवा आता है 20-83-57-32 से 20-89-17-74 के मध्य। इसमें कुल अभ्यर्थी कितने हैं, 445 अभ्यर्थी हैं। 16 जुलाई को होगा, इसका भी मोतीलाल नेहरू स्टेडियम पुलिस भोपाल में ही दिया है, 7 बजे से 2 बजे, ठीक है। तो आप सभी लोगों को ये रोल नंबर दिए हैं, ये रोल नंबर अपने मिला लेना है और मिलाने के बाद देखना है कि आपका यही इसी तारीख को आ रहा है, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। इसमें और आगे प्रत्येक अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक सत्यापन आधार कार्ड के मांग के आधार पर दिया जाएगा। इस सूचना पत्र को शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के साथ लाने हेतु अतिरिक्त आप अपनी पहचान हेतु ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि से कोई भी एक साथ लाना होगा। शासन द्वारा जारी किए गए मान्यता प्राप्त पहचान पत्र उपलब्ध न होने पर स्कूल कॉलेज का नवीनतम पहचान पत्र भी मान्य होगा, ठीक है। तो आपको इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट लेके जाना है। इसके बाद और देखते हैं द्वितीय परिचय हेतु पात्र घोषित किए गए अभ्यर्थी उपयुक्त पहचान पत्र के अतिरिक्त प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा अपलोड किए गए रिजल्ट, एडमिट कार्ड के साथ अपने मूल दस्तावेज समस्त को दो सेट, यानी दो आपको सेट, यानी दो सेट बना के ले जाने हैं, छायाप्रति, दो छायाचित्र, फोटो भी लेके जाना है आदि, एवं संकलन प्रपत्र में जानकारी भरकर दिनांक एवं समय पर शारीरिक नापजोक हेतु प्रवीणता टेस्ट मोतीलाल नेहरू स्टेडियम पुलिस परेड ग्राउंड भोपाल में उपस्थित हों, ठीक है। तो आपको अपनी जो पूरी डॉक्यूमेंट है उनकी दो सेट बना के ले जाना है, इसमें इस पर दिया है कि आपको पूरे दो सेट ले जाना है और आपको फोटो भी उसमें लगा के ले जाना है, और इसके साथ में जो आपको रिजल्ट आया था उसका पूरा वो एडमिट कार्ड भी लेके जाना है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें नीचे फॉर्म दिए हैं, तो आपको ये फॉर्म भी बनना है। देखिए इसमें नीचे पूरी वो दी है कि कितना कितना आपको दौड़ और फिजिकल वो सब कुछ करना होगा। देखिए इसमें पुरुषों के लिए 800 मीटर दौड़ 2 मिनट में 50 सेकंड में है, 7.260 किलोग्राम का गोला है, 20 फीट फेंकना है इसमें, ठीक है। और इसमें भूतपूर्व सैनिक या होमगार्ड सैनिक के लिए 8 मीटर दौड़ है 3 मिनट 15 सेकंड में, 7.260 किलोग्राम का गोला फेंकना है, 15 फीट इसमें गोला फेंकना है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। और महिलाओं के लिए 800 मीटर दौड़ 4 मिनट में है पूरी, इसमें कोई सेकंड नहीं दिए हैं, और 4 किलोग्राम का गोला वो 16 फीट फेंकना है, ठीक है। तो आपको ये सब इनकी तैयारी आपने कर ली होगी पहले ही। और शारीरिक नापजोक में पुरुष उम्मीदवार की ऊँचाई 165 सेंटीमीटर और महिला उम्मीदवारों की 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। इसमें पुरुष अभ्यर्थी का सीना 83 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए और महिला अभ्यर्थियों के सीने का माप अपेक्षित नहीं है, यानी उसका नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो आपको ये सभी लिखना होगा। अभ्यर्थियों को दोनों आंखों की दृष्टि सामान्य होनी चाहिए, उसे जेल की सेवाओं के लिए शारीरिक दृष्टि में उपयोगता होनी चाहिए, यानी हमारी आँखों में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद वो देखते हैं यदि अभ्यर्थी दौड़ में क्वालिफाई नहीं करता है तो उसे गोला फेंकना भाग लेने नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले आपकी दौड़ होगी, इसके बाद आपको उसमें आगे एंट्री करनी होगी, ठीक है। गोला फेंक क्वालिफाई करने के लिए अभ्यर्थियों को अधिकतम 3 अवसर दिए जाएंगे, गोला फेंकने में आपको 3 अवसर दिए जाएंगे, ठीक है। सारी प्रवीणता परीक्षा केवल क्वालिफाई रूप में होगी, इसमें कोई पूर्ण प्राप्तांक नहीं होंगे, ठीक है। परीक्षा परिणाम से उम्मीदवार को तुरंत मौके पर ही अवगत करा दिया जाएगा, यानी आपको आंसर वहीं पे बता दिया गया क्वालिफाई है या नहीं, ठीक है। सारी प्रवीणता परीक्षा का वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा, इसमें आपके मूल्यांकन प्रस्तुत होने पर अभ्यर्थी द्वारा चयनित समिति के समक्ष तत्काल अपील की जाएगी और उसका वीडियो कवरेज देखकर निराकरण करेगी। किसी स्थिति में उम्मीदवार को
दूसरी बार शारीरिक प्रवीणता परीक्षा का आवेदन नहीं किया जाएगा, आपको एक बार मौका मिलेगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं। इसमें शारीरिक प्रवीणता परीक्षा होती है, उनकी बजाय अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन कराया जाएगा। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद अभ्यर्थी को बायोमेट्रिक सत्यापन आधार कार्ड के द्वारा कराया जाएगा। ठीक है, और दस्तावेजों का सत्यापन न होने पर अथवा बायोमेट्रिक मिलान सत्यापन न होने पर अभ्यर्थी को अपात्र माना जाएगा। ठीक है, तो आपको अपने अच्छी तरीके से पूरी जांच कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद जाना है और आपको इसमें नीचे ये फॉर्म दिया है शारीरिक मुआवजों प्रवीणता टेस्ट, ये फॉर्म भी भर के ले जाना है। इसमें अभ्यर्थी का स्वयं का फोटो चिपका लेना है। ठीक है, इसमें पूरी जानकारी भरना है आपको, अभ्यर्थी का रोल नंबर, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, निवास स्थान, शारीरिक प्रवीणता टेस्ट, 800 मीटर दौड़ निर्धारित समय 2:50 में, महिलाएं 4 मिनट, भूतपूर्व सैनिक 3:15 में। ठीक है, अभ्यर्थी अपने यहाँ पे पूरा हस्ताक्षर भी करके लिए, गोला फेंक के लिए यहाँ पे भरना होगा। ठीक है, गोला फेंक के लिए पूरा भर लेना है यहाँ पे, ये गोला फेंक के लिए है। फिर इसके बाद आता है शारीरिक प्रवीणता टेस्ट, ये सीने के लिए हमारा, इसमें जो हमारा पूरे सीने का उसके लिए होगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट में ऊंचाई के लिए पूरा कॉलम दिया गया, तो आपको ये पूरा भर के ले जाना है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है पूरा, इसमें हमने आपको अगर समझा दिया है। इसमें आपको भुगतान प्राप्त करने के लिए ये भी दिया गया कि आप अपना रोल नंबर, यानी जो कि SC ST वाले होते हैं उनके लिए वापस कुछ अपनी फीस वो आ जाती है, यानी कि जो खर्चा रहता है वो हो जाता है, तो उसके लिए दिया जाता है। ये आप पूरा भर के ले जाना है। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें पूरी जानकारी दी। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबाना जिससे आपको आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।